आज दिनांक 16 जुलाई को प्रातः लगभग 6 बजे सूचना प्राप्त हुई कि दरभंगा जिले के घनश्यामपुर थाना अंतर्गत ग्राम जिरात में वीआईपी पार्टी के प्रमुख श्री मुकेश सैनी के पिता श्री जीतन सैनी, उम्र लगभग 70 वर्ष की थी उनकी, उनको अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा हत्या कर दी गई। संभवतः घटना को रात्रि में अंजाम दिया गया था। सूचना अनुसार मृतक जीतन सैनी घर में अकेले रहते थे। घटना की सूचना पर तत्काल थानाध्यक्ष घनश्यामपुर, साथ ही साथ थानाध्यक्ष बिरौल, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा पहुंचकर मामले की छानबीन की गई। पुलिस मुख्यालय के द्वारा भी इस पूरी घटना का संज्ञान लिया गया और तत्काल वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा और पुलिस उप महानिरीक्षक दरभंगा को घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की सघन जाँच करने का निर्देश दिया गया। उस निर्देश के आलोक में दोनों पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की और पूरे अनुसंधान की दिशा को निर्देश दे रहे हैं। एफएसएल की टीम को भी तत्काल रवाना किया गया। एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर वैज्ञानिक जांच हेतु कार्रवाई कर रही है। घर के अंदर एवं बाहर पाए गए सभी सबूतों एवं साक्ष्यों की वैज्ञानिक जांच बहुत ही बारीकी से की जा रही है। अभी तक की जो सूचना मिल रही है उसमें घर की अलमारी एक बाहर पाई गई है, उसमें कुछ रुपए और कागजात मिले हैं, उसकी भी बारीकी से जांच की जा रही है। घर के अंदर 3 गिलास पाए गए हैं, उसमें किस तरह का पदार्थ है उसकी भी जांच की जा रही है। घर में 3 बाइक पाई गई हैं, तो वो बाइक किसकी हैं, मोबाइल मोटरसाइकिल, वो उस संबंध में भी जाँच की जा रही है। तो कुल मिला करके एक वैज्ञानिक जाँच हेतु जो सभी संबंधित साक्ष्य हो सकते हैं उसकी जाँच की जा रही है। इसके अलावा डॉग स्क्वाड को भी यहाँ से रवाना किया गया, वो भी घटनास्थल पर पहुंचकर उसके द्वारा जो कार्रवाई अपेक्षित है वो की जा रही है। पटना से एक एसटीएफ की टीम जो अपराध और अपराध कर्मियों में जानकारी रखने वाले दक्ष पुलिस पदाधिकारी हैं उनके साथ में भेजी गई है, जो कि तकनीकी जाँच और रेड छापामारी में दरभंगा पुलिस की मदद करेंगे। घटना के त्वरित उद्भेदन हेतु एक एसआईटी का गठन किया गया है। उस एसआईटी में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा उसकी नेतृत्व करेंगे। उसमें उसके अलावा 2 पुलिस उपाधीक्षक, 3 जो वहां के थानाध्यक्ष हैं उनको शामिल किया गया। उसके अलावा अन्य दक्ष पुलिस पदाधिकारियों को भी इस पूरी एसआईटी में शामिल किया गया। आसपास के सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल टावर का भी हम लोग अवलोकन कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन के बाद 2 संदिग्धों को वहां से डिटेन कर उनसे पूछताछ की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। सभी बिंदुओं पर पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ बहुत ही बारीकी और सघनता के साथ जांच की जा रही है। पुलिस मुख्यालय द्वारा लगातार घटना का अनुसरण किया जा रहा है। जो हमारे प्रयास हैं उसमें वैज्ञानिक अनुसंधान और जो आसपास के साक्ष्य हैं वो तकनीकी साक्ष्य हैं, सीसीटीवी मोबाइल फुटेज और आसपास के लोगों के बयान के आधार पर हम लोग शीघ्र ही कांड का उद्भेदन करने में सक्षम होंगे और घटना में संलिप्त अपराध कर्मी को गिरफ्तार करेंगे। ऐसी हमारी टारगेट है और इस तरीके पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। मृत शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, उससे उनके शरीर पर कितने जख्म, किस तरह के जख्म, किस तरह के हथियार से कारित किया गया, ये सब भी जांच के क्रम में स्पष्ट हो पाएगा। सभी बिंदुओं पर और सभी एंगल पर हम लोग जांच कर रहे हैं और शीघ्र ही इस घटना का उद्भेदन करेंगे। इस घटना के संबंध में यदि कोई विस्तृत जानकारी किसी के पास में है, किसी ग्रामीण के पास में, आसपास के पास में, तो वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा का नंबर है 9431822992, इस पर सूचना दे सकते हैं। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण का भी एक मोबाइल नंबर है, उस पर भी सूचना दे सकते हैं 6287742988। उसके अलावा पुलिस मुख्यालय का एक टोल फ्री नंबर है जो पहले भी हमने जारी किया था, वो है 14432। इस टोल फ्री नंबर पर भी कोई भी व्यक्ति इस घटना से संबंधित सूचनाएं शेयर कर सकते हैं। अभी जो प्रारंभिक अनुसंधान की जो बातें आप सामने आई हैं उसके बारे में आपको मैंने जानकारी दी, थैंक यू। अभी घटना की जांच की जा रही है, उसके बाद जब मैंने आपको बताया सारे कड़ी सारे सूत्र और फॉरेंसिक टीम एक बार अपने घटनास्थल का पूरा जांच कर लेगी, सारे तथ्यों को सामने लाएगी, तो कड़ी जोड़कर हम लोग आगे की दिशा में आगे बढ़ेंगे और आपको अवगत कराएंगे।
थैंक यू। देखिए अभी कुछ कह पाना मुश्किल है, इसलिए हम किसी भी हो सकती है नहीं हो सकती इसको हम रूल आउट नहीं कर रहे हैं। सभी एंगल पर सभी बिंदुओं से जांच कर रहे हैं। जैसा कि आपको बताया, सूचना अनुसार वो घर में अकेले रहते थे, ये उनके पक्का घर है, 2 मंजिल का घर है, ग्राउंड फ्लोर पर घटना हुई है। तो सभी तरीके से हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान की पूरी टीम लगी हुई है। 2 संदिग्धों को अभी तक हमने डिटेन भी कर लिया है, जो CCTV फुटेज में घर के पास लगा हुआ था, उससे उनकी गतिविधि संदिग्ध पाई गई। शीघ्र ही घटना का उद्भेदन करेंगे, आपको अवगत कराएंगे।